जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के की के बारे में, एक एक की के बारे में आज हम जानेंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कीबोर्ड का परिचय, क्या होता है कीबोर्ड, कितने प्रकार के होते हैं कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब मैंने कल पूरा आपका इंट्रोडक्शन कीबोर्ड का पढ़ाया था कल के क्लास में। जो लोग कल नहीं आए थे या नहीं कल का क्लास किए हैं, जो यूट्यूब पर जाके देख लेंगे वीडियो, ठीक है। आज का क्लास हम शुरू करते हैं कीबोर्ड के एक की के बारे में जानते हैं, कौन सा की का क्या यूज होगा, ठीक। क्लास को शुरू करते हैं, चलिए पहले इसमें कीबोर्ड देखते हैं। पहला की यहाँ पर हम लेते हैं एस्केप की, कौन सा, एस्केप की को लेंगे, ठीक। ये आपका है एस्केप की। एस्केप की का क्या यूज होता है, एक चीज जान लीजिएगा। हम यहाँ पर बस आपको क्या सिंगल की के बारे में बताएंगे, एस्केप की का क्या यूज होता है, बस ये हम बताएंगे। अदर की के साथ इसका क्या यूज है ये नहीं बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि हम लोग को बस की पढ़ना है कीबोर्ड के की के बारे में, किस की का क्या यूज होता है नॉर्मल, ठीक है। ऐसे तो अदर की के साथ इसका अदर काम होता है, अदर प्रोग्राम, किसी और प्रोग्राम पर जाएंगे किसी और की के साथ इसका कंट्रोल के साथ भी इसका काम होता है, शिफ्ट के साथ भी कार्य कोई काम होता है, तो अदर की के साथ भी इसका यूज होता है अदर प्रोग्राम पर, और अलग अलग कार्य भी करता है। तो वहाँ हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, ये सब शॉर्टकट की में हम लोग पढ़ेंगे। आज बस की के बारे में जानते हैं, एस्केप की का यूज क्या होता है, क्या होता है एस्केप की, ठीक है। देखिए तो एस्केप की का यूज हम करते हैं अनवांटेड पॉपअप मेनू बार को रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए, अनवांटेड पॉपअप मेनू बार को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। क्या होता है अनवांटेड पॉपअप मेनू बार, तो अनवांटेड पॉपअप मेनू बार, जैसे आपने कोई प्रोग्राम ओपन कर लिया, मान लीजिए हम वर्ड को ही ओपन कर लेते हैं, वर्ड में जो ऊपर मेनू बार होता है, मेनू बार में पहला ऑप्शन जैसे एक फाइल का ले लेते हैं, फाइल मेनू नाम होगा उसका, तो उस फाइल पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक और मेनू खुल जाता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पॉपअप मेनू बार। तो उसी पॉपअप मेनू बार को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस्केप की से। हम अगर वो ऑन है तो एस्केप की से हम क्या करेंगे, उसको हटा सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से। तो यहाँ लिख सकते हैं इस की का प्रयोग हम इस की का प्रयोग हम किसका पॉपअप मेनू बार का, पॉपअप मेनू बार का हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, पॉपअप मेनू बार को, ठीक है। ठीक, इस की का प्रयोग हम पॉपअप मेनू बार को हटाने के लिए, ठीक है। इस की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, मेनू के अंदर जो मेनू खुलता है पॉपअप मेनू बार, उस मेनू बार को हमको हटाना है तो हम एस्केप की के साथ हटा सकते हैं, एस्केप की से कीबोर्ड पर एस्केप की हम प्रेस करेंगे और वो मेनू हमारा हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा की को देखते हैं, ये समझ में आए लिखते चलिएगा साथ में। दूसरा की आते हैं हम लोग टैब की, ठीक है। टैब की को देखते हैं, ठीक है। टैब की का यूज किस लिए करते हैं, देखिए टैब की का प्रयोग हम लेटर को सेट करने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं टैब का, लेटर को सेट करने के लिए। जैसे हम एमएस वर्ड में कोई भी, आप एमएस वर्ड में जाएंगे लेटर टाइप करते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं, तो उसको सेट करने का हम किसको करते हैं, हम टैब से करते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, हमको लेटर को सेट करना रहता है तो किससे करते हैं, हम टैब से प्रयोग करते हैं। टैब का यूज किस लिए करते हैं, लेटर को
सेट करने के लिए। और ये इसका डिफॉल्ट 0.5 इंच का स्पेस देता है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे 0.5 इंच का, ठीक, 0.5 इंच का क्या जो है स्पेस देता है। तो इसका लिखेंगे टैब का प्रयोग, हम टैब की का प्रयोग, ठीक है, टैब की का प्रयोग किस लिए करते हैं, लेटर को सेट करने के लिए। और ये 0.5 इंच का स्पेस देता है, 0.5 का, इसका स्पेस बढ़ाया भी जा सकता है, 0.5 से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो होता है 0.5 इंच का, ठीक है। नेक्स्ट की को हम लोग देखते हैं अब, कैप्स लॉक, ठीक है, नेक्स्ट की आप इतना हो गया। नेक्स्ट की को हम लोग देखेंगे कैप्स लॉक, तीसरा आपका है कैप्स लॉक, उनके ऊपर लिखते हैं, ये इतना हो गया है, ठीक है। तीसरा आपका है कैप्स लॉक, ठीक, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, देखिए कैप्स लॉक की का प्रयोग हम कैपिटल लेटर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़े अक्षर में टाइप करना है तो हम किसका कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे, तो हमारे कीबोर्ड क्या होगा, कैपिटल लेटर जो भी ABCD का वर्ड लिखेंगे वो किस में लिखाएगा, बड़े अक्षर में लिखाएगा, ठीक। तो इसका क्या लिख लेंगे हम लोग, इसका प्रयोग इस की का प्रयोग बड़े अक्षर लिखने के लिए, बड़ा अक्षर लिखने के लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं चौथा, आप देखते हैं चौथा की, चौथा की हम देखेंगे शिफ्ट की, ठीक है, शिफ्ट की, ठीक है, शिफ्ट की। तो देखिए शिफ्ट की का प्रयोग हम, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, शिफ्ट की का प्रयोग हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखने के लिए करते हैं, और इसका दो काम, दो चीज के लिए इसका काम हम करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे किसी का नाम लिखना है, कोई नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर हम लोग बड़ा लिखते हैं, पहला अक्षर क्या करते हैं बड़ा लिखते हैं, तो इसके लिए क्या, अगर एक अक्षर हमको बड़ा लिखना है तो कैप्स लॉक को तो हम ऑन नहीं करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे फिर बंद करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ले पहला अच्छा एक ही अच्छा लिखना है तो शिफ्ट को हम लोग प्रेस करके लेटर लिख देते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं कैपिटल लेटर बड़ा अच्छा लिखने के लिए, और शिफ्ट की से हम स्पेशल कैरेक्टर को भी लिखने का काम करते हैं, शिफ्ट की के साथ क्या करते हैं स्पेशल कैरेक्टर साइन को भी लिखते हैं, जैसे एट द रेट का आपका सिंबल लगाना है, और आपको जो भी करें आप डॉलर परसेंटेज हो गया, ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये सब सारी चीज़ों का अगर आपको सिंबल लगाना है लिखना है तो हम शिफ्ट की के साथ लिखते हैं। तो लिखेंगे इसका प्रयोग
ठीक है। इस की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पहला अक्षर बड़ा लिखने के लिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर बड़ा लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसी में आगे लिख लेंगे, और स्पेशल साइन, ठीक है, जो आपका स्पेशल, जैसे आपका अभी बताया जो मैंने हाईएस्ट डॉलर परसेंटेज, ठीक है, स्पेशल साइन, ठीक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल की, ठीक है। ठीक, अब आते हैं हम कंट्रोल की, कंट्रोल की को देखते हैं। अब देखेंगे हम कंट्रोल की। देखिए कंट्रोल की हमारा एक ऐसा की है जो अदर की के साथ यूज होता है, कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल की का यूज हम अदर की के साथ ही करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, अदर की के साथ, जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए जो होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है, क्या होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक। कंट्रोल ए से होता है आपका बोल्ड, जैसे मान लीजिए कंट्रोल सॉरी कंट्रोल बी से आपका होता है बोल्ड, ठीक। इसी तरह बहुत सारे हैं जिसका प्रयोग हम कंट्रोल का अदर की के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की को हम लोग आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट की देखते हैं दूसरा, ठीक है। आते हैं स्टार्ट बटन या विंडोज बटन जो होता है हमारा, ठीक है, स्टार्ट या विंडोज बटन से बोलते हैं। ठीक है, विंडोज की को देखते हैं हम लोग। विंडोज की का यूज हम, विंडोज की का यूज किस लिए करते हैं, तो विंडोज की का यूज हम स्टार्ट, जो कंप्यूटर में आप देखते होंगे कॉर्नर में एकदम, जैसे ये आपका कंप्यूटर है तो यहाँ पर एक बना रहता है आपका, ठीक, यहाँ क्लिक करते तो आपका विंडो ओपन होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगा, तो वही काम हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से, उसमें विंडो बटन दिया होता है, हम वहाँ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, विंडोज की का यूज हम आप विंडोज बटन को जो आपके कंप्यूटर में था इसे ऑन और ऑफ करने के लिए, इसे एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, फिर प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा, ठीक है, विंडोज बटन को ऑन और ऑफ करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। लिख लीजिए, इसका प्रयोग हम किसे करते हैं, स्टार्ट बटन ऑन और ऑफ ऑफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑन और ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट जो आपका है अल्ट की पैड, ठीक है, किसका देखेंगे, अल्ट की को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका है अल्ट की, ठीक, साथ साथ लिखते चलेंगे। अब आते हैं अल्ट की, अल्ट की पैड का प्रयोग हम
लिखेंगे अल्ट की पैड का प्रयोग है, इस की का प्रयोग हम ओपन जो भी ओपन विंडोज, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम ओपन है, वर्ड को या आपका नोट पैड एक्सेल कोई भी प्रोग्राम आपका ओपन है, तो अल्ट की से क्या करते हैं हम, अल्ट की से उसकी मेनू बार को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब कि अल्ट की पैड से हम उसके मेनू बार पर जा सकते हैं। जैसे हम लोग माउस से है ना, ये तो आराम से हम लोग माउस से जो भी फाइल इंसर्ट क्लिक करना फटाफट कर लेते हैं। अगर कीबोर्ड से हमको मेनू बार पर जाना है तो किससे जाएंगे, अल्ट की पैड से प्रयोग कर अल्ट की पैड को प्रेस करेंगे और हम मेनू बार पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, मेनू बार पर जाने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं मेनू बार पे जाने के लिए। लिख लीजिए, हो गया, इरेज कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आपका आगे क्या है, स्पेस बार की का किस लिए यूज करते हैं हम, कीबोर्ड हमारा स्पेस बार की है तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं, लिखेंगे इसमें इस की का प्रयोग दो लेटरों के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, दो लेटरों के बीच में स्पेस देने, जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक, जैसे आपने लिखा राम इज गोइंग टू होम, तो राम लिखने के बाद जब इज लिखेंगे तो उसमें स्पेस देंगे ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पेस बार की का। और एक चीज़ यार कि ये क्वेश्चन देखिए पूछता है कि हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, तो यही सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, स्पेस बार की होता है। हमारे कीबोर्ड का सबसे लॉन्ग बटन यही होता है, सबसे लॉन्ग की स्पेस बार की। ठीक है, तो लिखिए इसमें इस की का प्रयोग हम ठीक है दो लेटरों के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ साथ में लिखते चलेंगे, कहीं डाउट होगा पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसमें देखो वो एक होता है राइट बटन ऑफ द माउस, माउस का एक राइट बटन होता है कीबोर्ड में, आप देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे हैं तो हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये बटन है आपका, ठीक है, माउस का राइट बटन होता है, जो हम माउस के राइट बटन से कंप्यूटर पर काम करते हैं वही हम किससे, इस की के साथ भी कर सकते हैं, माउस का राइट बटन। तो माउस के राइट बटन का यूज हम कहाँ करते हैं, नॉर्मली जैसे किसी फाइल या फोल्डर का हमको क्या देखना है, प्रॉपर्टीज देखना हो तो हम क्या करते हैं, फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो उसका मेनू खुल जाता है, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उसका डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, तो वही काम हम क्या करेंगे, माउस के राइट बटन कीबोर्ड में हमारा वो जो दिया है उसके साथ हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग से हमारा है,
कि माउस का राइट बटन कीबोर्ड में ये की कर दे रहा है, ठीक है, तो माउस के लेफ्ट बटन का काम कौन करता है कीबोर्ड में, इसका जवाब आप लोग देंगे। माउस के राइट बटन मैंने बताया ये करता है माउस का राइट बटन का काम, तो इसमें माउस के लेफ्ट बटन का कार्य कौन सा की करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की की तरफ हम लोग, इंटर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इंटर की। ठीक, इंटर की, इंटर की का यूज हम किस लिए करते हैं देखिएगा, तो लिखिए इस की का प्रयोग हम इस की का प्रयोग हम यस और नो मैसेजेस को आप अप्लाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए यस और नो मैसेजेस का अप्लाई करने के लिए, तो लिखिए इस की का प्रयोग हम हिंदी ने चाहे इंग्लिश में लिख लेंगे अप्लाई। ठीक है, और एक काम और इससे करते हैं, और क्या करते हैं लिखिए, देखते हैं एमएस वर्ड में या कहीं किसी प्रोग्राम में आप जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको आपको नीचे लाइन में आना रहता है, तो किससे आते हैं, इंटर से, तो लिखेंगे वन लाइन डाउन करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटर का, तो वन लाइन नीचे आने के लिए भी किसका प्रयोग, एमएस वर्ड में इसका प्रयोग होता है, और एमएस आप नोटपैड में कर लीजिए, वर्ड पैड में कर लीजिए, एक्सेल में कर लीजिए, सब वन लाइन डाउन करने के लिए, और वन लाइन डाउन। ठीक, इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ होगा ना, लिख लीजिए, ऊपर लिखते हैं, दिख रहा है ना पीछे, ठीक है, हो गया, ठीक, जब बोल रहे हैं तभी साथ में लिखो ना। साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं बैक स्पेस। ठीक, बैक स्पेस की, इस की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो इस की का प्रयोग लिखिएगा, इस की का प्रयोग हम वन बाय वन कैरेक्टर को इरेज करने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, वन बाय वन एक एक करके हम क्या करते हैं, इरेज करने का काम करते हैं, किसी भी प्रोग्राम पर, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, कोई भी हो, तो वहां पर अगर आपने, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, आप एमएस वर्ड पर कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, हमको उधर पीछे से आपका डिलीट करना, मान लीजिए कोई गलत मीनिंग आपने लिख दिया, तो फिर हमको इरेज करना है, किससे करेंगे, तो बैक स्पेस से हम करके एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे, एक एक अक्षर को इरेज पीछे से कर सकते हैं, तो बैक स्पेस से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें,
इस की का प्रयोग हम एक एक वाट को ठीक मिटाने या हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, और एक काम और बैक स्पेस से हम लोग करते हैं, क्या जान लीजिए, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। देखिए बैक स्पेस का एक और यूज होता है, हम मान लीजिए हमने माय कंप्यूटर को ओपन किया, जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, माय कंप्यूटर ओपन किए, लोकल डिस्क डी में गए, लोकल डिस्क डी में जाने के बाद फिर वहां से मैंने किसी फोल्डर को ओपन किया, फिर उस फोल्डर के अंदर हमने गया, फिर वहां एक फाइल है उसको ओपन किया, ठीक है। अब वहां से हमको बैक आना है, तो या तो माउस से हम देखेंगे कि यहाँ जो कंप्यूटर हमारा बना रहता है यहाँ पर बनता बैक, तो हम लोग माउस से यहाँ क्लिक करेंगे तो हम बैक आते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बैक आएंगे। तो वही काम हम बैक स्पेस से भी कर सकते हैं कीबोर्ड के, माउस की जरूरत नहीं है, ठीक है। किससे कर सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड से बैक स्पेस करेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, सॉरी फिर लोकल डिस्क डी, फिर डॉक्यूमेंट, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट, फिर फाइल, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे अंदर गए थे उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बाहर आएंगे, ठीक है, बैक करते आएंगे। तो दो काम इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला की देखते हैं।